मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि जिस जगह भी हम मदरसे वाले मौजूद होंगे, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। एक बहन का वादा है, जब भी कोई परेशानी आती है अल्लाह से तो हम मदद मांगते हैं, तो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं उनसे भी मदद लाजिम है। आज की सबसे प्यारी अहादीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला इस पर नाराज होता है और इससे गुस्सा करता है। तिर्मिजी की अहादीस है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है अमल करें, और अमल में जब आप अमल की कबूलियत है तो दुआ ना करें। मैंने कभी भी, हर दफ़ा मैंने ये कहा है कि अल्लाह से दुआ करें। जो भी बहन भाई कामयाब हुए हैं, जिन बहन भाइयों ने मदद हासिल की है मदरसा फातिमा ज़हरा से, मैंने हमेशा उन्हें यही कहा है कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप भी अल्लाह से दुआ करें और इंशाल्लाह हमारे साथ अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। 7 से 11 दिन का टाइम हम देते हैं आपके काम को, कि जो आपका काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 11 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ दुआ का सहारा और कुरान पाक का सहारा है जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया, तो उसी से मदद हम हासिल करते हैं। यहाँ पर कोई जादू टूना मदरसे में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, सिवाय अल्लाह के कलाम कुरान पाक से मदद ली जाती है। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा प्यारा अमल और बहुत तेज काम करने वाला अमल, जो आपके जितनी भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, शानी है, किसी को मनाना है, किसी जैसे कि कारोबार में ऐसे मसले हो जाते हैं कि भाई लोग बहुत परेशान होते हैं, तो किसी ऑफिसर को मनाना, बहुत से ऐसे मेरे पास भाई बाहर के मुल्क के आए हैं, सऊदी अरब के, कतर के, दुबई के, और बहुत से ममालिक से आए हैं, जिनको यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके जो ऑफिस में या कोई बॉस हैं, या जो उनके कफील हैं, या कोई ऐसे हैं जो नहीं मानते, जो कहना नहीं मानते। ये अमल आप करें, ये अमल करके आप उनके सामने जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। ये एक दिन का अमल आप ज़रूर करें। जो नक्श स्क्रीन पर चल रहा है वो नक्श आपने लिखना है। नाम जिस तरह मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नीचे अलाहु फला इब्ने फला, अलाहु फला इब्ने फला, ठीक है। इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, इब्ने बंदा कोई भी है, ठीक है। आपने फला इब्ने फला में आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम आला खूब, उसका और उसकी वालदा का नाम, नहीं तो उसके वालिद का नाम लिख देना है। ये अमल बहनें भी कर सकती हैं अपने कारोबार के मसले में, या कोई परेशानी है, या कोई ऐसे मसाइल हैं उनके लिए भी कर सकती हैं। दूसरी वो बहनें भी कर सकती हैं जो घरों में परेशान हैं, कोई ससुराल की तरफ से परेशान है, कोई माएँ जो अपनी बेटियों की तरफ से परेशान है, वो भी कर सकती हैं। रिश्ते की बंदिश में ये खास अमल आप ज़रूर आप इख्तियार करें, इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अमल कोई भी इसमें नहीं है, जिक्र छोटा सा जिक्र है, सिर्फ यह मानी हो, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। अगर मोहब्बत और खुब के लिए अमल कर रहे हैं, किसी को पाने के लिए, निकाह के लिए अमल कर रहे हैं, फिर या वो दूदू सिर्फ 300 मरतबा आप रोज़ाना का पढ़ें और इस नक्श को लेकर अपने गले में पहन लें। एक तो आपकी सारी बंदिश खत्म हो जाएगी, कारोबारी बंदिश खत्म हो जाएगी, रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जिसको आप मना रहे हैं, जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह का मसला हल हो जाएगा। इसको पहन लेना है, बनाकर डोरी में डाल के गले में। देखिए, बहुत से ऐसे लोगों का ये रहता है कि जो तावीज़ आते हैं वो गलत हैं या हराम है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की उम्मती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ हैं, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, आपकी बात को भी समझती हूँ। नक्श से जो तावीज़ात होते हैं और जो नक्श होते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नक्श अल्लाह के कलाम के होते हैं, सूरह मुबारक के होते हैं, और जो तावीज़ात होते हैं वो आपको नहीं पता वो किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। क्या वो हिंदू ज़ुबान में है, क्या वो काफ़रों की ज़ुबान में है, क्या वो ईसाई की ज़ुबान में है, क्या नक्श कुरानी होते हैं, नक्श के नुस्खे होते हैं। नक्श को इसलिए हरूफ अरबी में लिखा जाता है ताकि आपने अक्सर दफ़ा
ऐसी जगह पर भी जाना होता है जहाँ पर कुरान पाक की आयत नहीं जा सकती या बेअदबी की वजह से, बेहुरमती की वजह से इनको अरबी लफ्ज़ों में लिखा जाता है। नक्श आप गले में पहन सकते हैं, ठीक है, आप बाजू पर बांध सकते हैं, आप नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जो आप अमल कर रहे हैं या जो आप लोगों से, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं लोगों किसी की बात नहीं करती, लेकिन आप अगर कोई तावीज़ात आपको दे रहे हैं तो मैं इस चीज़ से मना करूँगी, आप तावीज़ात ना दें। आपको नहीं पता तावीज़ात का नुकसानात का, तो आप तावीज़ात की तरफ ना पड़ें। तो ये अमल आप एक छोटा सा प्यारा सा अमल है, ये ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अपनी बहन को दुआओं में याद रखें, और जो भी मसला परेशानी आप अपनी बहन से बयान कर सकते हैं। ये मदरसा है फातिमा तुज़ज़हरा अल-बनात, जज़ाकअल्लाह खैरा।